वोट कर लिया आप? जी हमने कर लिया। किस मुद्दे को लेकर वोट? अब सरकार के ऊपर है, देखिए क्या सरकार लाती है। हम लोग तो वोट देना जिसको दे चुके हैं, मतलब वोट हम लोग दे रहे हैं कि आगे विकास हो, सरकार अच्छी आए और भी अच्छा। क्या घर चलाने में दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। बहुत दिक्कत हो रही है। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि देश अच्छा से चले, यही मुद्दा है। हाँ। अभी तक तो 2014 से देख रहे हैं कि अच्छा चल रहा है। जिसको सरकारी नौकरी चाहिए उसके लिए तो बेरोजगारी है। हाँ। जो मेहनत का आदमी है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इस बार रोजगार के नाम पर परिवर्तन हो जाएगा, रोजगार बेरोजगारी बढ़ गई है। कुछ नहीं बेरोजगारी कुछ नहीं बढ़ा है, ना महंगाई बढ़ी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। हम तमाम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वोट किस मुद्दे पर कर रहे हैं। देखिए हम पटना के डाकबंगला चौराहा स्थित एक बूथ पर खड़े हैं जहां पे तमाम वोटर हैं, वो भी है। वोट कर लिया आप? जी हमने कर लिया। किस मुद्दे को लेकर वोट? अब सरकार के ऊपर है, देखिए क्या सरकार लाती है। हम लोग तो वोट देना जिसको दे चुके हैं। हाँ। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। नहीं, कोई मुद्दा होगा, कुछ काम ध्यान में होगा कि ये अगर वोट देते इस बार तो ये मेरा काम हो जाए। वोट देने का मतलब है कि अभी तो सरकार काम, दोनों सरकार अभी बीजेपी है तो अच्छे काम कर रही है, ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है चुनाव में, ये कौन सा सरकार अभी पार लगता है। सरकार तो अभी कोशिश है कि चेंज करेंगे हम लोग। सरकार चेंज कीजिएगा? बहुत गर्मी है, आप लोग वोट देने पहुँचे हैं, क्या करें, दूर से आए हैं, देना ये तो हम लोग का अधिकार है, वोट देना भी जरूरी है। चलिए वोट देना। वोट दे लिए? जी वो दे लिए। क्या मुद्दे को लेकर वोट? विकास के लिए दिए हैं। विकास के लिए दिए जी। क्या लगता है जितना विकास हो रहा था इस बार वोट दिए हैं, क्या सरकार तो चेंज होना चाहिए? सरकार चेंज होना चाहिए, सरकार बदल जाएगी इंशाल्लाह। क्या कहिएगा भैया, वोट दिए? हाँ वोट तो हम दिए। किस मुद्दे को लेकर? बस विकास के लेकर के, और जितने भी हैं लोग अपना अपना क्या बोलते हैं जी, यानी कि जो अच्छे विकास करने हैं उसी के लिए दिया गया है। और हम लोग को है ना जो अभी प्रॉब्लम नहीं है वही प्रॉब्लम पर एक रोजगार को लेकर भी रोजगार के लिए तो दिक्कत नहीं है क्योंकि अपना तो रोजगार चलता ही रहेगा। रोजगार चलता है। हाँ वोट किसी को भी देंगे, रोजगार तो चलता ही है। ये है कि रोजगार का भी दिक्कत है, बाहर लोग जाते हैं यहाँ से बाहर कमाने के लिए। हाँ। कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे विदेश जाते हैं वहाँ पे पब्लिक लोग आदमी जो जाते हैं यहाँ से बिहार से या कहीं से भी यूपी बिहार कहीं से भी फंस जाते हैं लोग, तो वहाँ से सरकार लाने का काम करती है। अब बिहार में हम लोग को सब कुछ रोजगार मिलेगा तो क्यों हम लोग बाहर जाएंगे? यानी बाहर जाएंगे, देखिए यहाँ पर महिला वोटर भी हैं, तमाम लोग हैं। वोट कर लिया आंटी? वोट दे लिए? हाँ दे लिए। क्या मुद्दा था दिमाग में, क्या सोच कर वोट? क्या मुद्दा था? जी 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 दे दिए, विकास के लिए दिए, आगे जो सरकार बनेगी जो और भी बेहतर करे, और भी बेहतर करे, यानी विकास के मुद्दे पर इस बार वोट पड़ रहा जी। पर लोग रोजगार को लेकर भी सोच रहे हैं कि रोजगार थी है या फिर आगे भी आगे बढ़नी चाहिए और भी। हाँ। महंगाई इतनी हो गई है, महंगाई की वजह से आगे बढ़नी चाहिए और भी, कि मतलब वोट हम लोग दे रहे हैं कि आगे विकास हो, सरकार अच्छी आए और भी अच्छा। क्या घर चलाने में दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी महंगाई में घर कौन चलाता है, इतना महंगाई हो रहा है, कहाँ से घर चलाएगा इंसान। सैलरी हम लोग का 10,000 है, खर्च हम लोग का 20,000 है, कहाँ से पूरा करेंगे? सर कमाना 10 और खर्चा 20। हाँ। बाल बच्चे का परवरिश है, पढ़ाई है, लिखाई है, सब चीज़ में पैसा लगता है ना। हाँ। तो वो चीज़ के लिए चाहिए ना, हम लोग का भी तो कमाई बढ़ेगा तभी तो कुछ करेंगे। हाँ। चलिए कमाई बढ़ेगा तभी कुछ करेंगे, कुछ और लोग भी हैं। वोट कर लिए? वोट कर लिए जी, कर लिया। किस मुद्दे को लेकर, क्या आधार सोचिए? विकास के लेकर के, सरकार अगर चेंज होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए, दम होना चाहिए। अच्छा क्या लगता है कि इस बार वोट दी है युवाओं के लिए काम होगा, लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं, क्या ये? हाँ तो ये यही तो राज है कि बिहार छोड़ के इंसान बाहर में काम करने जाते हैं, अगर चेंज हो तो हो सके सरकार इधर ही करे काम। हाँ। इसीलिए सरकार को तो चेंज करना ही चाहिए, महंगाई इतने बढ़ गए हैं। महंगाई भी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ही महंगाई बढ़ गई है। कैसा लगा पहली बार वोट किए हैं? बहुत अच्छा लगा। क्या मुद्दा क्या रहा था? विकास के लिए। विकास के लिए आप युवा हैं, युवा लोग रोजगार भी देख रहे हैं, क्या ये रोजगार का भी समस्या है? जी। क्या करना चाहती हैं, अभी पढ़ रही होंगी, पढ़ लिख कर क्या? जॉब करना चाहते हैं, अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए जी। किस क्षेत्र में, कौन से? बीकॉम फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पढ़ रही हैं जी। क्या चीज़ में नौकरी करना चाहते? बैंकिंग। बैंकिंग, क्या लगता है सरकार बनेगी, वैकेंसियाँ आएंगी? जी ज़रूर, वो तो बनेंगी और आएंगे भी। क्या लग रहा है, देश का विकास हो रहा है?
जी होगा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पे भी वोट करते हैं, कुछ लोग हैं रोजगार के नाम पे वोट कर रहे हैं, मतलब कई सारे मुद्दे हैं, आप क्या सोचते हैं युवा होने के? वोट तो सबको देना चाहिए। हाँ, वो तो अधिकार है सबका, वो तो देगा सभी लोग ना, ऐसा थोड़ी कोई जात के लिए दे रहा है, कोई अपने लिए दे रहा है, वोट है तो सबको देना है, वोट सबको देना जी। अभी भी कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं वोट देने जाएं या ना जाएं, उन तमाम लोगों को क्या कहिए? तो घर पे बैठ के देखते रहे न्यूज, और क्या करना चाहिए उन लोगों को, आना चाहिए, देना ही चाहिए, आकर के अधिकार है देना सबका। अब जो नहीं आ रहा उन लोगों को कौन समझाने वाला, आप लोग आए, आप लोग दे यहाँ आकर अपना थोड़ा समझे, देना चाहिए उन लोगों को भी अपना अधिकार, देना चाहिए जी। चलिए, अपना अधिकार है, देना चाहिए। कुछ और भी वोटर हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये पटना, ये गुड़िया टोली, बोवा को लेकर आए वोट देने? हाँ, ये सता रहा था, चलिए इसको भी घुमा लेंगे। घुमा लेंगे? हाँ। अच्छा, आपने वोट कर लिया? हाँ, कर लिया। क्या मुद्दे रहे? बस विकास पर। विकास पर? हाँ। क्या लग रहा है, लोग नौकरी को लेकर भी सोच रहे हैं, रोजगार को लेकर भी सोच रहे हैं, बिहार से लोग पलायन भी कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर क्या होगा इस बार? कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा? आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। चलिए, परिवर्तन आएगा, तमाम लोग हैं यहाँ पे। वोट किया आपने? हाँ जी, हो गया। किस मुद्दे को लेकर? विकास। हाँ, विकास को लेकर। विकास को लेकर क्या लग रहा है, अपना बिहार या फिर देश आगे बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ तो रहा है। हाँ, मैंने कर लिया है। कब किया, कितने देर पहले? अभी आधा घंटा हुआ मैंने किया है। आधा घंटा पहले? क्या किन्हीं का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। अच्छा, आपने वोट किया है, लंबे समय से वोट करते आ रही हैं, किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट किया? जो सरकार अच्छा काम करेगी, मैंने उसी को वोट किया है। जो सरकार अच्छा काम? हाँ, बस, और मेरा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, लोग नौकरी बोल रहे हैं कि नौकरी मिलनी चाहिए, इसको दूर करना है। हाँ, बस रोजगार, बस, थैंक यू। चलिए, तमाम लोग वोट देकर निकल भी रहे हैं, लोगों से हम जुड़ भी रहे हैं। वोट दिए अंकल जी? बिल्कुल, अभी तक तो नहीं दिया, बेटी दिया है, हम देने जा रहे हैं। अच्छा, देने? मेरा जमाल रोड में है बूथ। अच्छा, जमाल रोड में है। क्या मुद्दे होंगे इस बार का? कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि देश अच्छा से चले, यही मुद्दा है। हाँ। अभी तक तो 2014 से देख रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, मुद्दा स्पष्ट है। मुद्दा स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, पलायन बढ़ गई है। जिसको सरकारी नौकरी चाहिए उसके लिए तो बेरोजगारी है। हाँ। जो मेहनत का आदमी है उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए? उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। जो मेहनत नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, उसके लिए बेरोजगारी है। जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिला वो बेरोजगार है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, मतलब कई तरीके के बात। धर्म सेकेंडरी चीज़ है, देश पहला है। देश पहला है, देश पहला, देश को देखिए कि तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ। उस पे वोट कीजिए। आप वोट किए आंटी? हाँ, कर दिए। वोट किए किन मुद्दों को लेकर? कमल छापर दिए हैं। कमल छापर दिए हैं, मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है, लोग कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रहा है। तो यही हम लोग विचार, हम लोग कितना लोग के मोदी सरकार दिए, हम लोग कुछ देवे नहीं किए पटना में रह के, ज्यादा गाँव देहात में किया करते हैं, इधर कहाँ किए किसी को, पटना में किसी को नहीं किया, कहाँ किए किसी को, गाँव में ज्यादा देखते हैं, चूल्हा मिल गया। हाँ। खेती उती वाला को पैसा मिल गया, हम लोग क्या मिला पटना में रहेगा? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, खाली वो पेंशन मिलता है बस, बस बस। राशन मिलता है? ना, राशनो नहीं मिल, पहले मिलवो करता, वो भी बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ। क्या मिला पटना? कुछ नहीं मिला। गांव शहर में, शहर कुछ है, गाँव में जाया करते हैं, चूल्हा जो गोईठा लकड़ी खाना बनाते थे। हाँ। जो गैस चूल्हा मिल गया, हम लोग क्या मिला यहाँ पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। वोट कर दिए? अब वोट कर दिए। चलिए, वोट कर दें, और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। देखिए, मतदान चल रहा है, यहाँ पे अंकल जी हैं, वोट कर लिए? हाँ, कर लिए भैया। किस मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट दिया है? अरे, आदमी को रोजगार मिले। हाँ। सुख शांति से रहे बस, और सुख शांति से रहे। चलिए, सुख शांति से रहे। वोट दे लिए आंटी? दे लिए। किस मुद्दे को लेकर, क्या ध्यान में रखा, मुद्दा क्या रहा? मुद्दा विकास उकास अच्छा हो रहा है। क्या भैया? विकास उकास हो रहा है अच्छा से, हो रहा है, वोट दे बस, यही सब लेकर के वोट दिया। क्या लग रहा है, देश में बदलाव होने जा रहा है? नहीं, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। चलिए, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, कई लोगों का राय हमने जाना, तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे वो हमने आपको सुनवाया। कुछ और लोग हैं जिनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना, जिस तरीके से वोट दिए हैं। वोट कर लिए? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा ध्यान में? यही विकास हो रहा है, वो और अच्छे से होए।
और अच्छे से हो। हाँ जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इस बार रोजगार के नाम पर परिवर्तन हो जाएगा, रोजगार बेरोजगारी बढ़ गई है। कुछ नहीं बेरोजगारी कुछ नहीं बढ़ा है, ना महंगाई बढ़ी है, सब बहुत अच्छा से चल रहा है और आगे भी अच्छा से चलेगा। हाँ बिल्कुल। क्या कहिएगा, जो थोड़ा अगर ये हो डेवलपमेंट होता है तो थोड़ा सा टैक्स वगैरह देना पड़ता है, थोड़ा महंगाई होता है, मगर उसके लिए सब जनता के लिए ही है। रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, अच्छे अच्छे बसेस के ये बन रहे हैं, हमारा एयरपोर्ट बन रहा है नया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसके लिए थोड़ा मोड़ा खर्चा तो सरकार थोड़ा टैक्स तो लेगी ही, थोड़ा महंगाई तो होगा ही, मगर अच्छी बात है कि अच्छा सरकार बने और हम लोग अच्छा से रहें। चलिए, अच्छी सरकार बने और हम लोग अच्छा से रहें, तमाम लोगों का राय जान रहे थे, किस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।